नमस्ते दोस्तों, इंडिया की सबसे बेहतरीन स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का बहुत बड़ा नाम लिया जाता है। एक है एथर एनर्जी की 450X और ये Gen 3 में अभी आ चुकी है। दूसरी है ओला इलेक्ट्रिक की ओला S1 Pro Gen 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो आज की इस वीडियो में डिटेल कंपैरिजन होने वाला है ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का। बहुत सारे लोगों को ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पसंद है, टॉप 5 में हमेशा है। एक नंबर पे अभी चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक और 3 नंबर पे चल रहा है एथर एनर्जी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना। बहुत ही डिटेल कंपेरिजन वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, आपकी पूरी जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पैरामीटर्स ही इतने हम डिस्कस करने वाले हैं। बैटरी, मोटर, रेंज, एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड, टॉर्क, ग्रिड एबिलिटी, बूट स्पेस, चार्जिंग टाइम एंड एक शोरूम प्राइस। तो ये बहुत ही तगड़ा कंपैरिजन है। वीडियो को शुरुआत करते हैं बैटरी कैपेसिटी के साथ। ओला S1 Pro Gen 2 है, उसमें 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, और एथर पोलिटेक्स जेन 3 में 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। मतलब सिर्फ 300 वाट आवर का ही डिफरेंस है। अभी वाट आवर क्या होता है, ये एनर्जी होता है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। जो पावर है उसका यूनिट वैट लिया गया है, अब टाइम का यूनिट आवर लिया गया है, तो ये एनर्जी है। मतलब आप जब ओला S1 Pro Gen 2 चार्ज करोगे तो 4 यूनिट्स आपके घर में कंज्यूम हो गए, और जब आप एथर पोलिटेक्स Gen 3 चार्ज करोगे तो 3.7 यूनिट्स कंज्यूम हो गए आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर में। बात करें अगर एक यूनिट की, अगर आप समझे कि एक यूनिट की कॉस्ट 7 रुपए है, कितना 7 रुपए, तो दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा से ज्यादा 28 रुपए लगेंगे। कितना 28 रुपए, और 28 रुपए में ओला S1 Pro Gen 2 बोलते हैं 195 किलोमीटर का एयर एयर सर्टिफाइड रेंज है। ट्रू रेंज लगभग 150 किलोमीटर तक का मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो रेंज में बढ़िया आपको तगड़ा परफॉर्मेंस दिख रहा है ओला S1 Pro Gen 2 का। अगर एदर वोल्ट एक जेन 3 की बात करें तो उसमें 150 किलोमीटर का आपको रेंज मिल रहा है। ट्रू रेंज इनका 110 किलोमीटर का है, नॉर्मल मोड में या इको मोड में आपको मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ओला S1 Pro Gen 2, इवन दो दे आर क्लेमिंग द रेंज ऑफ अबाउट एज यू कैन सी 195 किलोमीटर IDC, बट मुझे नहीं लगता ट्रू रेंज ओला S1 Pro को 150 किलोमीटर से ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे एथर पोलिटेक्स को 110 किलोमीटर बोला है, तो रेंज में ऑफकोर्स ओला S1 Pro इज गोइंग टू बी अ विनर। अगर हम स्पेसिफिकेशन फीचर्स की बात करें ना, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो फीचर्स है, जैसे ओला S1 Pro मूव OS 4 अपडेट के साथ आ जाता है, और मूव OS 4 में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इनके खुद के मैप्स है, इनमें प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक है, इसमें नेविगेशन है, इसमें पार्टी मोड है। बहुत फीचर्स है, बहुत हद से बढ़कर ज्यादा फीचर्स है। मैंने 2 दिन पहले के वीडियो में आपको बोला कि अगर आप रियली ये फीचर्स डेली यूज करने वाले हो ना, तो इसमें आप इन्वेस्ट करो पैसा, अदरवाइज इतना फीचर वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने को आपको जरूरत नहीं। ऑन द अदर हैंड एथर भी बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसमें भी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो ओला में है वो मिल जाते हैं, बट जो पार्टी मोड है या जो प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक है, शायद वो आपको एथर में नहीं मिलेगा। अगर लुक्स की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा एथर को। एथर का लुक मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू ओला इलेक्ट्रिक। लुक जो होता है ये एक पर्सनल बात होती है, शायद आपको ओला इलेक्ट्रिक का लुक अच्छा लगे, सो इट इज सब्जेक्टिव, आपको कौन सा लुक अच्छा लगता है वो आपको पता है। बट अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एथर की बिल्ड क्वालिटी मैं 200% बोलता हूँ प्रीमियम है एज कम्पेयर टू ओला S1 Pro Gen 2। Gen 1 ओला S1 Pro जो था उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा था। इन्होंने क्या किया, लाइट वेट करने में, रेंज ज्यादा देने में, एसोलेशन ज्यादा लेने में बहुत बुराई की है इस ओला इलेक्ट्रिक के साथ। और मैं कुछ वीडियो भी आपको दिखाया था कि पिछला सस्पेंशन टूट के वो बूट स्पेस में घुस चुका था, एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था। तो बिल्ड क्वालिटी मुझे लगता है ओला इलेक्ट्रिक जेन 2 का जो है S1 Pro Gen 2 का वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो बैटरी में ऑफकोर्स ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, यहाँ पे 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। मोटर में मतलब बहुत ही तगड़ा डिफरेंस है, 11 किलोवाट पिक पावर के साथ IPMM मोटर आपको ओला इलेक्ट्रिक में मिल जाता है। IPMM मोटर, इसमें आपको PMSM मोटर मिलता है। यहाँ पे एक ड्रॉबैक आपको लग सकता है, जब एथर एनर्जी की गाड़ी हम चलाते हैं तो उसमें नॉइज बहुत आता है, बहुत ही नॉइज आता है एथर की गाड़ी में, क्योंकि बेल्ट ड्रिवन गाड़ी है। एथर के भी बेल्ट या फिक्स ड्रिवन गाड़ी है, बट उतना आवाज नहीं आता, सॉरी ओला की। तो एथर में आपको शायद वो जो बेल्ट है उसका मेंटेनेंस बार बार करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली इन द रेनी सीजन वो बेल्ट में अगर कीचड़ आ गया उसमें, सॉरी
ऑयल डस्ट पार्टिकल्स जमा हो गए तो शायद आपको बेल्ट क्लीनिंग करना पड़ेगा या कुछ दिन बाद बेल्ट रिप्लेसमेंट भी करना पड़ेगा। तो शायद ये ड्रॉबैक मैं बोल सकता हूँ एथर एनर्जी का। बट किन किन लोगों को वो नॉइज जो है वो भी अच्छा लगता है, एक फ्यूचरिस्टिक नॉइज आपको एथर एनर्जी की स्कूटर देती है। तो रेंज में अगर आप बोलो फिर से यहां पे आपको दिखेगा ओला S1 Pro सीधा विनर है। एक्सेलरेशन में ओला S1 Pro जेन वन दो जो था वो 2.9 सेकंड्स लेकर लेता था 0 to 40 करने के लिए। यहाँ पे जेन टू 2.6 सेकंड्स में आपको 0 to 40 करके देगा। एथर फोर्टेक्स जेन थ्री 3.3 सेकंड्स में करके देगा। एकदम फ्रैंकली मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सिटी में क्या आप इतने जोर से गाड़ी चलाने वाले हो? जो टॉप स्पीड ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर दे रही है, जैसे ओला 120 का टॉप स्पीड दे रही है और एथर 90 का टॉप स्पीड दे रही है, मुझे लगता है कि इतना स्पीड की जरूरत ही नहीं है सिटी में। एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग इतने स्पीड की जरूरत ही नहीं है। जो अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो एवरेज सिटी स्पीड जो है वो 18 km/h, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं, से 24 km/h का है। 18 km/h से 24 km/h का एवरेज स्पीड है सिटीज में। तो ये टॉप स्पीड मायने मुझे नहीं रखता। गाइस अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत एफर्ट्स लेने के बाद इतने डिटेल कंपैरिजन वीडियो में आपको देता हूँ, और मैं सिर्फ ये पढ़ नहीं रहा आपको, उसको एनालिसिस दे रहा हूँ जो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने में हेल्प करेगा कि आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है। अगर टॉर्क की बात करें तो ऑफकोर्स ओला इज हैविंग बेटर टॉर्क बिकॉज पावर इज इक्वल टू टॉर्क इन टू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज 2π n/60। तो जितना पावर ज्यादा उतना टॉर्क और स्पीड भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क बहुत तगड़ा है जो ओला S1 Pro Gen 2 को मिल रहा है। एथर 450X को 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें मिल रहा है। अगर ग्रिडेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सामने आ जाता है एथर का इंजीनियरिंग। एथर ने बहुत तगड़ा इंजीनियरिंग काम किया है। 2013 से इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना चालू किया, 2013 से। और ओला ने क्या किया, ईटरगो नाम का डच ब्रांड था, ईटरगो उसको खरीद लिया और इंडिया में ओला के नाम से लॉन्च कर दिया। तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे कष्ट एथर एनर्जी ने उठाए हैं, इसलिए उनके आपके रिजल्ट्स दिखेंगे। उनकी बिल्ड क्वालिटी, उनकी बैटरी की स्टेट ऑफ हेल्थ बहुत तगड़ी है भाई। एथर की बैटरी लोग बोलते हैं कि 4-5 साल कुछ नहीं होगा। ऑफकोर्स तरुण मेहता जी जो एथर चलाते हैं, जिनकी एथर कंपनी है, तो वो भी कहते हैं कि हमारी बैटरी जो है उसमें जो मटेरियल यूज किया गया सेल में वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, तो बैटरी बहुत जल्दी खत्म नहीं होगी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है एथर की। तो ये हमें देखना है कि बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल कैसा यूज किया गया। दो फीचर्स कम हो गए तो चलेगा, बट गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेडेबिलिटी आप देखो ना, 20 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी है, मतलब एलिवेशन जो है वो एथर एनर्जी इजिली चढ़ पाएगा एज कंपेयर टू ओला इलेक्ट्रिक। 101% 101%। गाइज एक और अलार्म बोलना चाहता हूं मैं आपको, इस चैनल पे डिटेल वीडियोस रहेंगे तो लंबे वीडियोस रहेंगे, बट आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी 101%। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन भी दबा दे, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। कौन कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहता है, एथर लेना चाहता है या ओला लेना चाहता है, कंफ्यूजन अगर है ना तो दोस्तों को भेज दो। फैमिली में कंफ्यूजन है ना, पिताजी को भेज दो। अगर आपके भाई के साथ कंफ्यूजन चल रहा है कौन सा ले, भाई को भेज दो। क्लियर हो जाएंगे भाई, डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ड्यूरेबिलिटी, बिल्ड क्वालिटी, लुक्स, मुझे पर्सनली एथर अच्छा लगा। ओके, इंडिया में है, खुद का इंजीनियरिंग है, बहुत तगड़ा काम करके सामने आए हैं। ऑफ कोर्स इन दोनों के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको लेके जाने वाला हूं, ताकि वहां पे क्या मेंशन किया है वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर बूट स्पेस की बात करें ना, 34 लीटर का बूट स्पेस बहुत तगड़ा आपको मिल जाता है ओला S1 Pro Gen 2 में, वेरास 22 लीटर का बूट स्पेस आपको एथर वोडेक्स जेन 3 में मिल जाता है। चार्जिंग टाइम यहाँ पे बहुत तगड़ा डिफरेंस है, 1.5 घंटे का डिफरेंस है। एथर वोडेक्स जेन 3 5 घंटे में चार्ज हो जाएगा, वेर एज ओला S1 Pro Gen 2 6.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो प्राइसिंग है ना, ओला S1 Pro Gen 2 इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, इट इज एक्सशोरूम प्राइस 1,48,000। एथर की प्राइस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे नासिक में मैंने तो सुना है 1.9 लाख ऑन रोड जाता है, 1.9 लाख, इतना महंगा। ये जो प्राइसिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज विथ प्रो पैक। अभी प्रो पैक क्या होता है, प्रो पैक में क्या क्या फीचर्स आते हैं, सारे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर विनर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक गाइस वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो। तो बैटरी में ओला अच्छा है, मोटर में भी ओला अच्छा है,
रेंज में भी ओला अच्छा है, एक्सेलरेशन में ओला अच्छा है, टॉप स्पीड में ओला अच्छा है, टॉर्क में ओला अच्छा है, ग्रिडेबिलिटी में एथर अच्छा है, बूट स्पेस में ओला अच्छा है, सॉरी चार्जिंग टाइम में एथर अच्छा है, और ऑफ कोर्स प्राइस ओला एसवन प्रो का कम है एज कम्पेयर टू एथर, बट बिल्ड क्वालिटी घटिया है, सर्विस दोनों की मुझे बुरी लगी टू बी वेरी फ्रैंक। तो जाती है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी हम बहुत ही जल्दी, लेट्स जंप ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट। फर्स्ट ऑफ कोर्स ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट पे आने के बाद इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए आपको देखने को मिलेंगे। क्रूज कंट्रोल, पार्टी मोड, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, ये इन्होंने फीचर्स स्पेसिफिकली दिखाए हैं, इनको मेंशन किया है क्योंकि अच्छे फीचर्स है। पार्टी मोड मुझे तो नहीं लगता भाई, क्या पार्टी मोड यूज करने वाले हम सिटी में, ऑलरेडी इतना नॉइस पोल्यूशन है। क्रूज कंट्रोल अगर आप लंबा जाना चाहते हो तो काम का है, सिटी में क्या क्रूज कंट्रोल भाई, 2 मिनट के बाद स्पीड ब्रेकर आ जाता है, आगे ट्रैफिक लग जाती है, सिग्नल लग जाता है, क्या क्रूज कंट्रोल करेंगे, लंबे रास्ते पे जाना है तो क्रूज कंट्रोल काम का है। प्रॉक्सिमिटी अनलॉक मैं तो फिजिकल की प्रेफर कर रहा हूँ भाई, आई हेट डिजिटल की। अभी मेरे विचार अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, मैं आपके विचारों से मतलब उनको बुरा नहीं कहता, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बूट स्पेस 34 लीटर का है, स्ट्रॉन्ग ग्रैब रेल मिल रहा है, आइकॉनिक हेडलैम्प मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी तगड़ा है, 120 का टॉप स्पीड है, 195 किलोमीटर का ARAI सर्टिफाइड रेंज है, एक्सेलरेशन भी बहुत इसमें तगड़ा मिल रहा है आपको। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम बहुत तगड़ी रीडिजाइन की है, मैप्स अभी इनके खुद के हैं ओला के, फ्रेम बैटरी का जो हम्प था वो निकाल दिया है, फ्लैट फुटबोर्ड कर दिया है, बहुत काम बहुत किया है ओला इलेक्ट्रिक ने, बट बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी घटिया कर दी। आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके और जानकारी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं नासिक का डालने वाला हूँ, मैं नासिक का हूँ, जय महाराष्ट्र, तो 22 नवंबर तक मुझे गाड़ी मिल सकती है। आप सारे एंगल से इसके कलर्स वगैरह सब चेक कर सकते हो, हर कलर के बारे में आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हो। ओके एंड इसमें अभी आपको स्कूटर कवर मिलेगा, मेन स्टैंड वगैरह की चीजों में बारे में इन्होंने बात कुछ नहीं किया है। ओके अभी इनके कुछ ऑफर्स भी चालू है, जैसे एक्सटेंडेड वारंटी पे ऑफर चालू है, 5 साल की वारंटी 70,000 किलोमीटर तक की दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने भी यहाँ पे अपडेट की है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू एथर एनर्जी। एथर की भी बहुत तगड़ी ऑफर चल रहे हैं, एक्सचेंज बोनस चालू है, फेस्टिव बेनिफिट चालू है, कॉर्पोरेट बेनिफिट चालू है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप ऑफर में लेते हो तो एथर फोर्टेक्स जेन 3 3.7 किलोवाट आवर का 1,10,000 को आपको मिल सकता है, अगर उतना एक्सचेंज मिले तो। तो एथर वोल्टिक्स जो है एक्चुअली इसके दो वर्जन से, अभी एक छोटा बैटरी वाला 2.9 किलोवाट आवर वाला, एक बड़ा बैटरी 3.7 किलोवाट आवर वाला। तो मैं बड़े बैटरी वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, 150 किलोमीटर का ARAI सर्टिफाइड रेंज है इसका। अगर हम बात करें ट्रू रेंज 110 किलोमीटर का मिल जाएगा। स्विच गियर बहुत अच्छे अपग्रेड किए हैं, कीज बहुत स्मूथ हो चुकी है इनकी, आप जाके देख सकते हो इनके एक्सपीरियंस सेंटर में। ट्रिप प्लानर मिल जाएगा, यू कैन हैव पुश नोटिफिकेशन फ्रॉम व्हाट्सएप टू योर एथर। ओके 3.3 सेकेंड्स में 0 to 40 कर देगा, 90 का टॉप स्पीड रहेगा, तगड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, नॉट बैड। इंजन नहीं भाई, मोटर 6.4 किलोवाट की पीक पावर वाली PMSM मोटर है, बैटरी IP67 रेटेड है, कंप्लीटली वाटर प्रूफ है। ओके 5 साल का बैटरी वारंटी विद एथर बैटरी प्रोटेक्ट आपको मिल सकता है, 70% स्टेट ऑफ हेल्थ परफॉर्मेंस गारंटी है, मतलब अभी अगर आपको 100 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है तो कुछ दिनों बाद आपको मिनिमम 70 किलोमीटर तक का रेंज मिलेगा ही, कुछ दिनों बाद मतलब सालों बाद, एक्सक्यूज मी, 110 किलोमीटर का ट्रू रेंज। आपको इको स्मार्ट मोड मिल जाएगा इसमें, यू कैन ऑल्सो हैव कोस्टिंग रीजन वगैरह वगैरह, बहुत सारी फीचर्स है इसमें। एंड इसमें आपको रेंज बढ़ा सकते हो आप, TPMS मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, बहुत अच्छी बात है, टायर प्रेशर कम ज्यादा होने से भी आपके रेंज पे इम्पैक्ट होता है, तो वो भी एथर ने अच्छी तरीके से हैंडल किया है। वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, टच स्क्रीन में स्नैपड्रैगन 2 212 क्वाड कोर, 1.3 GHz का प्रोसेसर है, 2 GB रैम है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, 4G कनेक्टिविटी है, एंड्रॉयड ओपन सोर्स OS इसमें यूज किया गया है। बट ये जो सारे फीचर्स है ना भाई, आपको ये मिलेंगे, फॉल सेफ भी है, अभी एथर भी फॉल सेफ है, ओला भी फॉल सेफ है।
कलर बहुत ही मक्खन है, मुझे सबसे मस्त ये रेड लगता है भाई, एंड ये ल्यूनार ग्रे भी मस्त है। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अभी इसके 3 वर्जन का डिटेल कंपैरिजन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। मुझे आपको दिखाना है प्रो पैक में क्या क्या मिलता है, क्योंकि ये भी कमेंट्स बहुत सारे सब्सक्राइबर ने किए थे, भाई सर प्रो पैक क्या है वो भी बता देना, तो वो बता देता हूँ। एथर विदाउट प्रो पैक लो ही मत, आप कुछ काम का नहीं है। प्रो पैक के साथ लोगे तो एथर लेने में कुछ दम है, अदरवाइज मत लेना, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एथर राइड असिस्ट में बहुत सारे फीचर्स है, एथर कनेक्ट एंड एथर किधर गया भाई थर्ड एंड एथर ओटी अपडेट्स, ये तीनों चीजें आपको प्रो पैक में मिलेगी, नॉन प्रो पैक में नहीं मिलेगी। जितने फीचर्स है जैसे राइडिंग मोड्स हो गया, डैशबोर्ड ऑटो ब्राइटनेस हो गया, कोस्टिंग रीजन हो गया, ऑटो हिल होल्ड हो गया, ट्रू रेंज हो गया, यहाँ पे टीएम टीएम लिखा है, देखो ट्रेडमार्क मतलब ये सिर्फ इनका है, इन्होंने बनाया है। व्हीकल फॉल सेफ हो गई आपकी, ईथर कनेक्ट में ऑनबोर्ड नेविगेशन है, थेफ्ट एंड टू अलर्ट्स है, फाइंड माई स्कूटर है, बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे बहुत सारे। ओके, आप बैटरी वारंटी एक्सटेंड कर सकते हो 5 साल 60,000 किलोमीटर तक। ओके, एंड चार्जर पे भी आपको 3 साल का वारंटी है, स्कूटर का वारंटी 3 साल या 30,000 किलोमीटर है। आप इसको बुक कर सकते हो, बुक करने के लिए बुक नाउ पे क्लिक करना है। अभी तक वीडियो देखा है तो भाई प्लीज लाइक ठोक दो, मेरा घसा पूरा जा चुका है, ये थ्रोट ना पूरा इन्फेक्ट हो चुका है, फिर भी आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, रात के 12:12 हुए तो प्लीज आप लाइक तो ठोक सकते हो। तो इसमें आप सिलेक्ट करना है कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है, आप कलर चेंज कर सकते हो एंड यू कैन डू नेक्स्ट। आफ्टर डूइंग नेक्स्ट ऑफकोर्स ये आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, पिन मांगेगा, तो ये सारी चीजें मैं तो अभी नहीं करने वाला। यहाँ पे आपको आपने कौन सा स्कूटर बुक किया है वो सारी चीजें मिल जाएगी एंड यू कैन डू द पेमेंट। तो गाइज ये था डिटेल कंपैरिजन वीडियो अबाउट एथर 4Flex Gen 3 विथ प्रो पैक एंड ओला S1 Pro Gen 2। सारी चीजों में हमें दिख रहा है कि ओला विनर है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ दिस इज अ एजुकेशनल वीडियो, आप खुद दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्ट राइड लो, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। मैं ये दोनों नहीं लूंगा, मैं आइदर बजाज चेतक लूंगा या टीवीएस आईक्यूब लूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम PV_Tasveer वाला एंड PV_Technical। मिलेंगे गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।